नता शिव स्वरूप शिव का नमो प्रियो समाहिते चढ़ाला की छठी ढाल की चल रही है और ये छठी ढाल सबसे महत्वपूर्ण ढाल है। पेज नंबर आप लोग निकालो 161 छंद नंबर 6 5 और 6 पेज नंबर 160 और 161 ये प्रकरण चल ये छठी ढाल में पंच परमेष्ठियों का वर्णन है। किसका वर्णन है? पंच परमेष्ठी। जैन दर्शन में यदि सबसे बड़ा मंत्र को माना गया है तो वो नमोकार मंत्र है। उस नमोकार मंत्र की महानता इस बात से है कि उसमें हमने विशुद्ध भावना से पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया, उसमें हमने कुछ मांगा नहीं है। अब उन पंच परमेष्ठी को जिनको हमने नमस्कार किया है उनके किन गुणों के कारण हमने उनको नमस्कार किया है? अपन ये तो बोलते हैं नमो अनंतानं नमो सिद्धानं, अनंतों को नमस्कार और सिद्धों को नमस्कार। तो हम उन्हें नमस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि हम जैन हैं, वो हमारे भगवान हैं, इसलिए हम नमस्कार करते हैं। यदि अपने अपने भगवान ये अपने अपने मत के भगवान को नमस्कार करने से यदि कोई धार्मिक होता तो दुनिया में कोई भी अधार्मिक नहीं रहता। जैन दर्शन में और दूसरे दर्शनों में जो सबसे बड़ा मौलिक अंतर है वो ये कि जैन दर्शन गुणों से पूजा करता है, माने वो गुण प्रधान दर्शन है। वो किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करता, वो उस व्यक्ति के गुणों के कारण उसकी पूजा करता है। ये पंच परमेष्ठी भी किसी व्यक्ति के नाम नहीं है। अनंत किसी का नाम, सिद्ध किसी का नाम, आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु के नाम क्या है? ये पद है। ये पद किसके ऊपर आधारित है कि ये सीट है? जैसे पट्टाधीश, मतलब एक पट्ट है, पाटा है, उस पर जो आधीश हो गया पट्टाधीश, जैसे वो होता है ना मठ मठाधीश, या वो पॉप जॉन पॉल प्रथम द्वितीय तृतीय। तो ये कोई चुन के बने पंच परमेष्ठी, किसी सभा ने इनको बनाया है, किसी पट्ट पे आसीन हुए हैं, किसी मठ के अधिपति। ये पद कहाँ से आए हैं? आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु, ये जो पद है इन पदों का आधार क्या है? इन पदों का आधार गुण है। आचार्य परमेष्ठी के वो गुण है, मूल गुण है। उपाध्याय के मूल गुण है, सर्व साधु परमेष्ठी के वे गुण हैं जिन गुणों से उनको ये पद प्राप्त हुआ। तो वस्तुतः हम उन गुणों को पूज रहे हैं और उन गुणों पर जो भी स्थापित है वो उस नाम को प्राप्त करता है। माने आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु ये गुणों के आधार पे है, ये नाम के आधार पे नहीं है। और उपाध्याय लोक में जो संस्कृत पढ़ता है ना, 11वीं 12वीं संस्कृत पढ़ता है उसको उपाध्याय कहते हैं, और BA के इक्विवेलेंट पढ़ाई होती है उसको शास्त्री कहते हैं, और जो MA के इक्विवेलेंट पढ़ाई होती है उसको क्या कहते हैं? आचार्य। तो वो भी आचार्य कहते हैं, लेकिन वो आचार्य यहाँ पर विवक्षित नहीं है। यहाँ जो आचार्य पद है वो तो प्योर उनके मूल गुणों पर आधारित है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो कौन से गुण हैं जिन गुणों के कारण पंच परमेष्ठी पूज्य है? अरंत सिद्ध क्यों पूज्य है? आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु क्यों पूज्य है? उनकी पूज्यता का हेतु क्या है? तो वो अपन पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर कि इन पंच परमेष्ठियों की पूज्यता का हेतु क्या है। सबसे पहले आचार्य उपाध्याय और सर्वसाधु इनके गुणों का वर्णन अपन पढ़ रहे हैं। अनंत सिद्ध का तो बाद में आएगा, क्योंकि वे मुनिराज किस प्रकार से अपनी आत्मा की साधना करके और अनंत बनते हैं, सिद्ध बनते हैं, ये वर्णन चलेगा ना। तो पहले तो मुनिराज के गुणों का वर्णन करेंगे कि उनके कौन से गुण हैं, और उन गुणों का वर्णन करने के बाद फिर उनके अनंत बनने की विधि का वर्णन आएगा, फिर अनंत का वर्णन आएगा, सिद्धों का वर्णन आएगा। ये इसमें है इस ढाल में। तो ये ढाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि भाई क्या गुण है,
ये हमारे पूज्य हैं, इन पूज्यता का आधार क्या है? क्या तुम इन भगवान के आगे झुकते हो, ढोक देते हो? इनमें ऐसी क्या चीज है जो अन्य में नहीं है? हम इन्हीं महाराज, इन्हीं आचार्य को मानते हैं। हम जो है दिगंबर मुनिराज के आगे नमन करते हैं और कहीं नमन नहीं करते, उसका हेतु क्या है, कारण क्या है? उन सब बातों का वर्णन इस भाग में किया। तो मुनिराज के मूल गुणों का वर्णन है, उनके अंतरंग और बाह्य जीवन का वर्णन है। तो सबसे पहले बहिरंग गुणों का वर्णन है, बाहर के क्या गुण हैं, फिर उनकी अंतरंग जो विशेषता है उसका वर्णन है। तो मुनिराज के बहिरंग गुण कौन कौन से हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, मुनिराज की एलिजिबिलिटी, मतलब ये मुनि पद के योग्य हैं, ये मुनिराज है, तो वो मुनिराज के योग की विशेषताएं क्या है, कितने मूल गुण हैं, मुनिराज के कितने मूल गुण होते हैं, हैं 28, किसी को याद है 28, किस किस को याद है, हाथ खड़ा करने दे, एक ये अपन ने सबसे पहले भाग में जब पढ़ा था ना, तब पढ़ाया था ये, तब की क्या तो सब 28 मूल गुण। चलो अमित जी बता दो क्या है 28 मूल गुण, सात सेशन, पांच महागुण के नाम क्या है, पांच महागुण के नाम क्या है, पांच महारुद के नाम क्या, पूर्वी को याद है, पांच महारुद के नाम क्या, नहीं क्लास में आए थे क्या पहले, जब पहला हुआ हुआ था, चलो बताओ दीपक क्या है पांच महारुद के नाम, सत्य महारुद सबसे पहला, पहला क्या है, दूसरा सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, ये पांच महाव्रत है। अब इन पांच महाव्रतों की रक्षा ने पांच पापों का पूरी तरह से त्याग, हिंसा, झूठ, चोरी, सुशील और परिग्रह, ये पांच पाप, इन पांच पापों का त्याग करना कि नहीं करना, हिंसा करने वाला अच्छा है, झूठ बोलने वाला अच्छा, चोरी करने वाला, डाका डालने वाला, परिस्थिति सेवा, खूब परिग्रह जोड़ने वाला अच्छा है, पैसे जोड़ने वाला परिग्रह पाप है, जैसे हिंसा झूठ चोरी कुशील पाप है, ऐसे भी पाप है। तो ये पांचों पाप अच्छे हैं कि बुरे हैं, ये बताओ, पांच पाप दुख का कारण, खोटा काम है कि नहीं, तो जो खोटे काम छोड़ेगा वो पूज्य क्यों नहीं होगा, स्वाभाविक भी नहीं। यदि हिंसा खोटा काम है तो उसका त्याग करने वाला पूज्य है, यदि झूठ बोलना खोटा काम है जिसने उसका त्याग किया है पूज्य है, ऐसे चोरी कुशील और परिग्रह में लगा लो, ये बुराई है कि नहीं है, झूठ बोलने वाला चोरी करने वाला लोक में अच्छा माना जाता है कि बुरा, बुरा माना जाता है। अपने पैसे की कोई चोरी कर ले कितना दुख होता है, जैसे अपने प्राण चले गए, अपने से कोई झूठ बोले ठग ले अपने को, अपनी हिंसा करे तो अपने को कितनी पीड़ा होती है, तो लोग का अच्छा नहीं माना जाता। स्वाभाविक है कि इसका जिन्होंने त्याग किया है ये जगत पूज्य है, क्योंकि इस इनको कौन बुरा नहीं मानता, करता है एक अलग बात है, हिंसा झूठ चोरी हमसे पूरी तरह, हम उससे पूरी तरह से अलग नहीं हुए, लेकिन अपने चित्त में यह है कि नहीं कि ये बुरी आदत है, खोटे काम है, पाप है। तो ये तो सारी दुनिया ही इसको लगभग पाप मानती है, जो इसको पाप नहीं माने वो तो महापुरुष है। तो इन पापों का जिसने त्याग किया है वो हमारे लिए क्या है, पूज्य है, स्तुत्य है, वंदनीय है, समझ में है ना। अपने जो चीज अपने में हो वही हमारे आदर्श में हो तो हम क्या कहेंगे कि हमारे में और इनमें कोई अंतर नहीं है। मैं झूठ बोलता हूँ मतलब मैं मतलब अपन झूठ बोलते हैं,
और अपन जिसको आदर्श बना रहे हैं वो भी कभी भी झूठ बोल जाए, उसकी बात की कोई प्रामाणिकता नहीं हो क्या? जिस प्रकार से यहाँ किसी को धन का लाग है, स्त्री का लाग है, तो अपने पूज्य अपने आदर्श को भी लाग हो तो हम कहेंगे हमने और इनमें अंतर क्या है जिसके कारण से हम इन्हें पूज्य माने। भाई जो दोष हमें पाए जाते हैं वही के वही दोष इनमें, ऐसे से हमको भी बहुत प्यार है, इनको भी प्यार है, तो इसलिए पूज्यता उससे नहीं आती। पूज्यता तो परिग्रह के त्याग से, पूज्यता स्त्री मात्र के त्याग से, पूज्यता झूठ और चोरी के त्याग से, हिंसा के त्याग से। ये पांच महाव्रत कहते हैं अपने इसको। महाव्रत के दो अर्थ है, महान पुरुष इसको धारण करते हैं इसलिए ये महाव्रत कहलाते हैं। पहला पॉइंट क्या, महान पुरुष इसको धारण करते हैं इसलिए महाव्रत है, अथवा ये पांचों पापों का पूरी तरह से त्याग है, मैंने अणु मात्र भी इसमें पांच पाप नहीं है, पांच पापों का सर्वदेश त्याग होने से, संपूर्ण त्याग होने से क्या कहे जाते हैं, महाव्रत। ठीक है, ये तो याद करने में कठिन भी है, अहिंसा सत्य अचोर ब्रह्मचर्य और संपूर्ण परिग्रह का त्याग, ये पांच मनुराज के मूल गुण है। मूल गुण किसे कहते हैं, मूल मूल माने, मूल किसे कहते हैं नितिन, मूल मूल माने जड़, जड़ के बिना वृक्ष हो सकता है? जिस प्रकार जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता, ऐसे इन मूल गुणों के बिना उत्तर गुण नहीं होते। माने ये नहीं हो बोले वो एक टांग पे खड़े हैं क्या, जमीन के अंदर 10 दिन से धसे हुए हैं, 15 दिन से मौन है, तो वो सब ठीक है, लेकिन 15 दिन के बाद 16वें दिन क्या कर रहे हैं? क्या 16वें दिन तो उन्होंने जो है कोई भी मतलब पांच पापों में से कोई पाप किया, अपन कहेंगे नहीं पूज्यता नहीं होगी। पूज्यता का आधार पहले क्या देखे जाएंगे, मूल गुण, प्रिंसिपल नहीं हो। अपन ने किसी को ब्याज पे पैसा दिया, ब्याज तो चुका है और मूल का कोई ठिकाना नहीं हो कि मूल का क्या है, जब आप मरोगे तो आपके बेटे को दे दूंगा मैं, तो आप बनिया सबसे पहले क्या है कि चिंता करता है मूल धन की, क्योंकि मूल के बिना उत्तर की कोई कीमत नहीं। हम ब्याज से ज़्यादा हमें किसकी कीमत है, अपने मूल पैसे। तो ऐसे मुनिराज के दोनों प्रकार के गुण होते हैं, मूल गुण और उत्तर गुण। तो उत्तर गुण तो 84,000 है, कितने, 84,000, लेकिन मूल गुण 28 है। तो अब 84,000 ना तो अपन याद कर सकते हैं और ना अपने को उतना प्रयोजन है उनसे। अपना जो मेन प्रयोजन है वो अपन ये देखते हैं कि 28 है कि नहीं, यदि 28 है तो 84,000 तो आ जाएंगे, और मूल में कमी होगी तो फिर वो उत्तर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये फाउंडेशन है। इनका नाम ही इसलिए रखा है मूल गुण, मूल माने ये जड़ है, मुनि रूपी महल की ये जड़ है। इसलिए वो पांच पापों का त्याग होना जरूरी है, और सब बातें हो, मासो उपवासी हो, एक महीना उपवास करे, मौन रखे और एक पांव पे खड़े हो, एकासन करते हो, तीव्र से तीव्र तप तपते हो, समस्त विशेषताएं हो, पंचाग्नि तप तपते हो, सब हो, लेकिन यदि पांच पापों में से कोई भी पाप इतना सा भी होवे तो वो दोष रूप माना गया है, और ये माना गया कि मूल नहीं, मूल गायब है, अब उत्तर से हमें कोई मतलब नहीं। इसलिए पांच तो ये मूल गुण है। अब इन पांच महाव्रतों की रक्षा के लिए पांच क्या है, समिति, अहिंसा महाव्रत की रक्षा के लिए है समिति। भाई अब अहिंसा महाव्रत का पालन करना है, वंश मात्र भी हिंसा ना हो, तो और तो सब प्रवृत्ति उन्होंने त्याग दी, लेकिन कुछ प्रवृत्ति ऐसी है जो मुनि जीवन में टाली नहीं जा सकती। शरीर की स्थिति के लिए आहार लेना जरूरी है, आहार लेंगे तो निहार होगा क्या, उसके अलावा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आवश्यक है, एक स्थान पर मुनिराज अधिक काल रहते नहीं, एक स्थान पर अधिक काल रहने से उस स्थान के लोगों से अत्यधिक परिचय हो जाता है, परिचय हो जाता है तो उससे राग बढ़ता है, और राग बढ़ता है तो सारी मर्यादाओं का उल्लंघन होने लगता है, तो इसलिए मुनिराज एक स्थान पर अधिक काल नहीं रह सकते। चलना उनका गुण है, निरंतर विहार करना,
चातुर्मास के अलावा निरंतर मधुराज विहार करते हैं। गांव में अधिक से अधिक, शहर के अंदर 5 दिन और गांव में 3 दिन, इससे अधिक काल एक स्थान पर नहीं रहते, ऐसा आगम में लिखा है। तो इसलिए मधुराज तो निरंतर विहारी होते हैं सतत। अब विहार करना जरूरी है तो फिर उसके लिए कहा कि भाई ये जरूरी है तो अब इसमें इतनी सावधानी रखो कि चलो तो 4 हाथ आगे की जमीन देख के चलो। चलना आवश्यक है, चलना टाला नहीं जा सकता। भोजन के लिए जाएंगे तो सही ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जरूरी है। और मतलब जाने आने को टाला नहीं जा सकता। अच्छा, भोजन लेना टाला नहीं जा सकता, निहार नहीं टाला जा सकता। कोई गृहस्थ यदि धर्मोपदेश सुनने आएगा तो उसको धर्मोपदेश भी देना पड़ सकता है, बोलना भी कभी तो जरूरत पड़ ही सकती ना। यद्यपि मुनिराज बहुत करके तो वचन गुप्ति में रहते हैं, माने बनता है वहां तक बोलते ही नहीं है, लेकिन फिर भी सर्वथा मौन रहना उनके जीवन में भी संभव नहीं है। इसलिए बोलते हैं तो फिर वहां पे उनको बांध दिया, चलने में, बोलने में, आहार में, निहार में, कि यदि चलना जरूरी है तो ऐसा चलो कि उससे जीव हिंसा न हो। 4 हाथ आगे की जमीन देख के चलो, दिन में चलो, वो भी जिस मार्ग पे पहले से जीव चल चुके हो ऐसे मार्ग पे चलो। मतलब राग का अभाव होना चाहिए, इतना तीव्र राग ना हो कि इधर उधर देख के चला जाए। और देख के चलने में जीवों की हिंसा, बिना देख के चलने में जीवों की हिंसा टाली जा सकती नहीं। दूसरी बात और है, यदि देख के चलते हैं और फिर भी उनके पांव से कोई जीव मर जाए तो उनको हिंसा का दोष नहीं लगता। और यदि वो बिना देखे चलते हैं तो कोई जीव नहीं भी मरे तो भी उनको हिंसा का दोष, और ये मुनिराज के लिए नहीं, अपने ऊपर सबके लिए घटती है। जैसे डॉक्टर ने अपनी पूरी सावधानी रखी फिर भी मर गया तो दोषी नहीं है, लेकिन डॉक्टर तो जो है सावधान था ही नहीं, पेट में कैंची रखी और ध्यान ही नहीं रहा, वो तो जो उसका दूसरा कंपाउंडर था उसने अरे अरे क्या कैंची तो मैं रही तो बाद में ढूंढोगे कहाँ, ऐसा एक दो बार घट चुका है, मजाक नहीं कर रहा। तो वो गलती यदि उसकी असावधानी है हाँ तो वो उसको दोष लगेगा, हमने अपनी सावधानी से काम किया फिर भी कोई जीव मर गया तो उसका दोष नहीं। तो मुनिराज चलते हैं तो अपनी सावधानी से चलते हैं, चलना जरूरी है कोई बात नहीं, लेकिन चलने में इतना राग ना हो कि बिना देखे इधर उधर देख के चले, देख चले तो सामने 4 हाथ आगे की जमीन देख के चले। बोले, बोलना आवश्यक है तो बोले तो हितकारी बोले, प्राणी मात्र के लिए जो हितकारी हो, दूसरे का हित करने वाला, और अल्प शब्दों में बोले और प्रिय हो, सुनने में ऐसे लगे जैसे कोई कानों में अमृत बोल रहा है, और उसके कल्याण की कोई बात हो, मैंने उसको आत्म कल्याण में लगाने वाला, हित मित्र और प्रिय और भ्रम रूपी रोग को दूर करने वाला, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे। जगत के लिए हितकारी हो, अहित को दूर करने वाली हो, सुनने में सुखद हो, संशय को दूर करने वाली हो, भ्रम रूपी रोग का निवारण करने वाली हो, मुख रूपी चंद्रमा से मानो अमृत झड़ता हो, ऐसी उनकी वाणी हो। तो ये क्या है, भाषा समिति। बोलना आवश्यक है तो ऐसा बोलो, और नहीं बोल सकते मौन रहो। और तीसरी एषणा समिति, एषणा समिति मतलब आड़ लेंगे, आड़ लेना आवश्यक तो उसके दोष टाल के देंगे। वो आहार के क्या दोष है ये इसके लिए किताब लेके आया था, पिछली बार रह गया था अपना 46 दोष ना आहार के। छियालीस दोष किसी को मालूम है कौन कौन से 46 दोष है?
देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको इसमें कितना दिया, देखते हैं। 46 दोष में से 16 तो उद्गम दोष है, कितने? 16 उद्गम, 16 उत्पादन दोष और 10 अशन अथवा एशना दोष और अंगार आदि 4 दोष, ऐसे कुल 46 दोष। अब आप तो जितना समझ लो अभी, अब इनमें क्या है, इनमें ये है, ये 46 प्रकार के जो दोष है तो इसमें से उद्गम जो दोष है 16 वो दाता की तरफ से होते हैं और 16 उत्पादन दोष है, उत्पादन दोष है तो वो पात्र के आश्रित होते हैं, पात्र माने लेने वाले के। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, पश्चात स्तवन एक दोष है। पश्चात स्तवन दोष में क्या है, आहार ग्रहण करने के बाद दाता की प्रशंसा करना, किसकी? दाता की। ये पश्चात स्तवन दोष है, मतलब मुनिराज आहार लेते हैं, आहार लिया लेकिन जिससे आहार लिया है उसकी प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि उसने अपने पे उपकार किया है कि हमने लेके उस पे उपकार किया, देने वाले ने लेने वाले के ऊपर उपकार किया कि लेने वाले ने देने वाले के ऊपर उपकार किया, उल्टा काम है, लेने वाले ने देने वाले को उपकार किया तो उसकी प्रशंसा हम क्यों करें? प्रशंसा करें तो वो करे ना, हम क्यों प्रशंसा करेंगे उसकी? अपन ने गाय का उदाहरण दिया, गाय क्या करती है, गाय को जब आहार दिया जाता है तो गाय आहार देने वाले को नहीं देखती, गाय केवल आहार को देखती है, आहार ग्रहण करती है, जो 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 भी दिया जाता है उसको वो ग्रहण करती है। वो ये जो बाई देने वाली आई है ये कौन सी ड्रेस पहन के आई है, क्या ये कौन से सेठ जी की है, ये उससे कोई मतलब नहीं है, उसको केवल जो आहार दिया जाता है उसके ऊपर उसका ध्यान जाता है, वो और किसी चीज को नहीं देखती। मुनिराज और अन्य किसी वस्तु को नहीं देखते, वो केवल भोजन की शुद्धता को देखते हैं, दाता कौन है, यहाँ का क्या है, ये क्या है, ये क्या नहीं, इससे उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है, उनका एकमात्र उद्देश्य भोजन की शुद्धता होती है, यदि भोजन की शुद्धता होती तो मिलता है। तो ये ऐसे दोष है, ये अभी 46 है, देखो एक ये हुआ पश्चात स्तवन, चिकित्सा दोष, चिकित्सा दोष में क्या है, किसी के दोष की चिकित्सा करके आहार ग्रहण करना, कोई बीमार हो अपने पता है कि इसका ये इलाज पता नहीं तुम्हारा ये इलाज दोष है, हैं? नहीं आया समझ में? भाई दाता के कोई शरीर में रोग हो, उसने दिया आहार, आहार देने के बाद उसके इलाज बता दिया, तेरे लिए ये मेडिसिन है तो ये ले लिया, पहले हैं हाँ जो भी है उसकी चिकित्सा, तो वो सब उसी में ही है, क्योंकि वो तो ये कहेंगे कि भाई हे जीव ये जो देह है ये देह से भ्रमण तो छोड़, वास्तव में तू भाव भाव में इसीलिए भ्रमण कर रहा है क्योंकि तेरा देह के प्रति ममत्व, अपने शरीर के प्रति ममत्व तोड़ने का उपाय बताएंगे, इसलिए शरीर के प्रति उसकी रोग वोग दूर करने की बात नहीं आएगी, वो अलग चीज है मेरी चिकित्सा। ऐसे ये दोष है, ये 46 दोष है ये। अब आप पढ़ना उसमें, देखो भोजन में अमुक वस्तु बड़ी स्वादिष्ट है या और भी खाने को मिले तो बहुत अच्छा होएगा, इस प्रकार की अति लिम्पटता से भोजन करना ये अंगारक नाम का दोष है, और भोजन में अमुक वस्तु स्वादिष्ट नहीं है इस प्रकार निंदा भाव से भोजन करना ये धूम दोष है, और परस्पर में विरुद्ध वस्तुओं को मिलाकर भोजन करना, ठंडे में गर्म, गर्म में ठंडा मिलाना, रूखे में चिकना, चिकने में रूखा मिलाना, ये भी दोष है। और अति मात्र दोष किसे कहते हैं, देखो उधर के चार भाग करना, उधर के चार भाग करना मतलब चाकू छू रहे से अपनी बुद्धि में, उधर के चार भाग करके
दो भाग अन्न से भरना, एक भाग जल से तथा एक भाग खाली रखना चाहिए। इस प्रकार का उल्लंघन करके भरपेट भोजन करना अति मात्र नामक दोष है। अति मात्र माने अधिक मात्रा में लिया, एक एक हिस्सा खाली रखना चाहिए। ये भी प्रैक्टिस नहीं कि भाई अब ने एक काम करो, ऐसी प्रैक्टिस डाल लो कि दो टाइम का एक टाइम खा लो, वो प्रैक्टिस डालने का नाम नहीं है आहार का त्याग। वो तो जितना हम रोज ग्रहण करते हैं आहार, उस एक समय जितना लेते हैं, उस एक समय में हम तो भरपेट ही ग्रहण करते हैं ना। अपन लोग क्या करते हैं, सुबह खाते हैं तो पूरी खाते हैं, जितना जब तक पेट में भरता है, और वो देने वाली भी पूरा देती है, और बल्कि पेट में नहीं भी भरा तो भी और ठूस कर देते हैं, खा लो नहीं तो फेंकने में जाएगा। तो वो तो जो है वो अपन जो भोजन करते हैं पूरा भरपेट करते हैं, अपन पूरी कोशिश करते हैं ये खाली नहीं रहे। लेकिन मुनिराज के साथ ऐसी बात नहीं है, वो जिस समय भोजन करेंगे वो एक टाइम का भी पेट पूरा नहीं भर सकते, एक चौथाई हिस्सा खाली रहेगा, एक चौथाई पानी से भराएगा और दो चौथाई अन्न से भराएगा। शर्त क्योंकि क्या है, उसके तत्काल बाद मुनिराज को सामायिक करनी होती है, तो वह सामायिक नहीं होगी। फिर सामायिक में तीन बार प्रणाम की जगह 300 बार प्रणाम हो जाएगी, तो वो सब चीजें दोष लगेंगे, क्योंकि वो निद्रा आएगी उसमें, और नींद आएगी तो अभिनय होगी। जो भी धर्म की क्रियाएं हैं उसमें विनय नहीं रहेगी। धर्म कार्य में विनय, धर्म कार्य में उत्साह तभी हो सकता है जब नींद नहीं आए। प्रवचन में बैठे बैठे नींद आ रही हो तो 5 बार घड़ी देखेगा क्या, और समझ लो 5-10 मिनट प्रवचन काल भूल जाए और लेट हो जाए तो आकुलता उत्पन्न हो जाती है कि ये क्या है, इनको कोई टाइम की खबर भी नहीं है कुछ। समझ लो अपन कुछ भी जाप दे रहे हैं, जाप देते देते अपने को नींद आने लग जाए तो मन नहीं लगेगा, कैसे तैसे अपन निपटाएंगे और घर जाके सो या आराम से हो गया धर्म का। तो धर्म के लिए जागृत होना बहुत आवश्यक है। वो जो भी जिसको अपन पढ़ रहे हैं उसकी अभिनय होती है, इसलिए अभिनय ना हो, सामायिक अच्छी निर्विघ्न रूप से हो, इसके लिए एक चौथाई खाली पेट रखना जरूरी है। तो दूसरी एक बात और है कि अत्यधिक पेट भरेंगे दो समय का एक भोजन करेंगे तो उसके बाद तो फिर चलना फिरना तो है ही, सीधे सामायिक करना और स्वाध्याय करना है। मैंने मुनिराज का अधिक समय विहार में, तो विहार हो एक अलग बात है, लेकिन किसी एक स्थान पर है तो उस स्थान पर तो ज़्यादा चलने का काम ही नहीं है, और यदि आहार की मात्रा बढ़ेगी तो वो पाचन कैसे होएगा, और पाचन नहीं होएगा तो कोलेस्ट्रॉल और ये सब जितने भी है हार्ट वार्ट की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। समझ में ना, शरीर के अंदर मतलब चर्बी और मोटापा बढ़ेगा और वो उनके स्वयं के लिए घातक बनेगा। इसलिए वो पहले ही भाई ऐसा शरीर रहे बिल्कुल कि जैसे कोई एकदम 19 साल का जवान आदमी हो, और वो तभी हो सकता है जब वो आहार की मात्रा में कमी हो। तो फिर भाई आहार की मात्रा कम रहेगी तो कैसे जिएंगे। तो मुनिराज तो अपने आत्मानंद से जीते हैं, उनका जो आनंद है वो अपनी धर्म साधना का, अपने चैतन्य का आनंद है, अपने निज आत्मिक रस से तृप्त रहते हैं, वीतरागता से तृप्त रहते हैं, इसलिए ये बाहर के भोजन की उनको जरूरत नहीं पड़ती। लोक में आप देखना, यदि समझ लो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच चल रहा हो क्या, और यदि इंडिया अच्छे चौके लगा रही हो, बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, तो आदमी का खाने का ही मन नहीं करता, आज तो मेरा पेट भरा गया। कैसे पेट भरा गया, तेंदुलकर के चौके से मेरा पेट भरा गया। लेकिन होता है कि लोग के अंदर जिसकी रुचि होती है तो भोजन वगैरह सब एक तरफ हो जाता है। जिसके घर में विवाह का कार्यक्रम होता है सब मिठाई बनी होती है, लेकिन उसको स्वयं को भोजन करने की रुचि नहीं होती है। जिसको परीक्षा होती है, परीक्षा का जिसका उद्देश्य होता है, तो वो अपने आप उसकी भोजन की कमी, पेट कम पेट भोजन करेगा, मतलब पूरा पेट भरेगा नहीं क्या, और बराबर ये ध्यान रखेगा कि मेरे को नींद नहीं आ जाए, कि ज़्यादा सो नहीं जाऊँ, और कभी बैठेगा भी तो ऐसे नहीं गद्दी तकिया लगा के पड़ेगा, बिल्कुल ज़मीन के ऊपर ठंडी के अंदर कैसे भी करके मेरे को अपना काम करना है, क्योंकि उसको अपने काम करने का उत्साह है। वो प्रमादी नहीं होता, पढ़ने वाला प्रमादी हो जाएगा तो अपना काम नहीं कर पाएगा, और जिसको अपने काम का उत्साह होता है वो
आलसी और निरुद्यमी नहीं होता। तो मुनिराज ने तो बहुत बड़ा काम लिया है भाई, हमारा तो छोटा मोटा काम है, अपने को परीक्षाएं पास होना, दो रुपये मिल जाएंगे उससे। लेकिन मुनिराज को तो, मुनिराज ने तो सब परिग्रह का त्याग करके और अपने आत्मकल्याण रूपी सबसे बड़े काम में लगे हैं, इसलिए वो जो काम है उनका, उस काम का उनको इतना उत्साह है कि उन्हें नींद वींद को यूँ जीत लेते हैं और भोजन की उनको आवश्यकता प्रतीत ही नहीं होती। उससे अंदर का जो वो है, अंदर का जो उत्साह है, उस उत्साह से वो भूख को जीत लेते हैं, एक बात। दूसरी बात कि जितनी शरीर को आवश्यकता है उतनी तो वो ली ना उन्होंने, फिर आधा पेट भोजन किया, शरीर की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। आदमी भूखे पेट नहीं मरता, कैसे मरता है? अधिक खाने से मरता है। भूखे पेट अपन थोड़ा एक थोड़ा कम खाएं रोज तो अपने शरीर को कोई बाधा नहीं पहुंचती। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि यदि अपन एक रोटी कम भी खाएंगे तो अपने शरीर में उससे बहुत बड़ी कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन यदि हम एक रोटी ज़्यादा खाते हैं तो उससे ज़रूर तकलीफ होती है। तो इसलिए बुनियाद एक चौथे भोजन, एक आधा अन्न से भरते हैं, एक चौथाई पानी से और एक चौथाई खाने से। मैंने दो समय का एक समय करने की तो बहुत दूर की बात है, एक समय के भोजन में भी एक चौथाई कमी करके रखते हैं, ये सब है। और देखो और भी दोष है इसमें, सब पढ़ना है अब तो बहुत सारे हैं, तो 146 अंतराय होते हैं, अंतराय, अंतराय को टाल के ग्रहण भोजन लेते हैं। अंतराय होते हैं ना, कितने प्रकार के अंतराय होते हैं, 32 अंतराय होते हैं, 32। और किसके आहार ले सकते हैं, किसके नहीं ले सकते, सब बातें इसमें। जैसे राजा के घर मुनिराज आहार लेने के लिए नहीं जा सकते, निषेध है इसमें, क्योंकि राजा के घर पे वैभव होता है और अनेक दास दासी होते हैं, तो कोई भी दास दासी उनका अपमान भी कर सकता है, और वैभव होता है ना उसके, वैभव को देखकर उसमें चित्त उनका रंजायमान हो सकता है, संभावना है, वो ये आवश्यक नहीं है, इन संभावना है। इसलिए वो राजा के आहार का उनका निषेध है, राजा है महाराजा है ये सब आहार के पात्र नहीं, वो तो वो उसका महल में नहीं दे सकता, अलग से जाके दे, महल में जाएंगे तो वो सारे और विलासिनी स्त्रियाँ दास दासी सब होते हैं, किसी से भी अवमान ना हो सकती, वो स्थान अलग होता है। अभी तो वर्तमान के अंदर स्थान हो अलग तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो स्थान जो आहार लेने का है। और दूसरी बात कि ये आहार लेते समय जैसे आहार लेने गए हैं तो वो सादगी रूप होता, सादगी पूर्ण, मैंने वहाँ कोई वैभव का या अपने प्रदर्शन का कोई स्थान नहीं होता, चांदी सोने के बर्तन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये पढ़ना होगा आप 46-2 इसके अंदर दिए, छेड़ाला दर्पण में रतनलाल जी पंडित जी की किताब, इसमें अच्छे, इसमें मतलब मूलाचार के आधार से दिए 46-2। हम परीक्षा वरीक्षा में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए अपनी जानकारी के लिए पूछ लें, समझ लेना। तो ये मुनिराज ये ऐष्णवन आहार ग्रहण करें तो कैसा लें, मतलब ये सब दोष टाल के लिए, इससे राग का अभाव होता है, हिंसा का अभाव होता है। अब निहार है, निहार मतलब मुनिराज आहार करेंगे तो निहार भी होगा, मलमूत्र होगा, तो वो मलमूत्र का क्षेपण कहाँ करें, उसके लिए भी जीव हिंसा को टाल के करें, ऐसे स्थान पर करें जहाँ कोई जीव जंतु ना हो। पीछे कमंडल उठाना धरना, कमंडल उठाना आवश्यक है, पीछे उठाना जरूरी, तो उठाएं तो देख के उठाएं, कोई जीव जंतु नहीं, धरें तो देख के धरें, कोई जीव जंतु नहीं। इसको कहते हैं आदान निक्षेपण समिति, आदान माने ग्रहण करना और निक्षेपण माने धरना। तो मुनिराज पीछे कमंडल आदि कोई भी चीज पीछे है, कमंडल है, शास्त्र है, तो उसको देख के उठाते हैं और देख के रखते हैं। निर्जंतु थान विलोकी, उन्हें निर्जंतु स्थान देखकर और उठाते हैं और धरते हैं। ये कौन सी समिति? आदान निक्षेपण। जैसे 5 समिति हुई है, इंद्रिया समिति, 4 हाथ आगे की जमीन देख कर, भाषा समिति हितमित प्रिय वचन बोलना, ऐष्णा समिति आहार के जो दोष है भोजन संबंधी दोषों को टाल के आहार ग्रहण करना, प्रतिष्ठापना समिति माने मलमूत्र आदि को निर्जंतु स्थान देखकर क्षेपित करना, और आदान निक्षेपण समिति माने पीछे कमंडल देख के उठाना, देख के रहना। ये 5 समिति किसके लिए?
महाव्रत की और महाव्रत की रक्षा के लिए, अहिंसा की रक्षा के लिए, पंच महाव्रतों की रक्षा के लिए और राग के परिहार बने राग के नाश के। पांच महाव्रत हो गई, पांच समिति, इसके अलावा और क्या है फिर? पांच इंद्री जय, बुधनाथ पंचेंद्री जयी होते हैं, मैंने पांचों इंद्रियों पर क्या कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसका दोहा किसी को याद है? क्या है दोहा बताओ, दोहा किसको याद है? छाला याद नहीं है, रस है ना इसमें दोहा, बताओ चलो। रस रूप गंध तथा फरश, पांच इंद्रिय है ना, रस दसना इंद्रिय, रस रूप, रूप माने चक्षु इंद्रिय का विषय, रस रूप गंध घ्राण इंद्रिय का विषय, रस रूप गंध तथा फरश स्पर्शन इंद्रिय का विषय, रस रूप गंध तथा फरश और शब्द कर्ण इंद्रिय का विषय। ये शुभ हो, अच्छे लगने वाले हो या असुहावने, अच्छे नहीं लगे, तिन मेन राग, तो अच्छे लगने वाले में राग नहीं करते और जो असुहावने हैं उनमें द्वेष नहीं करते। तिन मेन राग विरोध पंचेंद्री जयन पद पावने, माने पांच इंद्रियों को वे जय करते हैं, ऐसा पद उन्होंने प्राप्त किया। हम सब क्या है? पांच इंद्रियों के गुलाम। अभी गर्मी के अंदर सबको क्या चाहिए? एसी। रसना इंद्रिय की कोई भोग चाहिए, खाने पीने की चीजें, घ्राण इंद्रिय के लिए सुगंधित पदार्थ चाहिए, चक्षु इंद्रिय के लिए रूप देखने को चाहिए, कर्ण इंद्रिय को अच्छे अच्छे शब्द गाने सुनने को चाहिए। तो वे इन पांच इंद्रियों के गुलाम नहीं है, ये उनका एक मूल, ये पांच उनके मूल गुण है, मतलब पंच इंद्रियों के शुभ विषयों में राग नहीं है और असुहावने विषयों में द्वेष नहीं है। इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं है, ये पांच इंद्रिय जय नाम के पांच मूल गुण है। कितने हो गए ये? पांच महाव्रत, पांच समिति और पांच इंद्रिय जय, पांच दिए 15 और छह आवश्यक है। छह आवश्यक के नाम बताए थे पिछली बार अपने चर्चा की थी विस्तार से, छह आवश्यक बताओ, उस पर आगे की चर्चा चालू करते हैं। छह आवश्यक कौन कौन से आए थे याद नहीं, बताओ। और स्वाध्याय, समता मैंने सामायिक, समता स्तुति वंदना प्रतिक्रमण स्वाध्याय और कायोत्सर्ग, ये छह विराज के आवश्यक हैं। आवश्यक किसे कहते हैं? जो अवश्य करने योग्य कार्य हो उसे आवश्यक कहते हैं, अवश्य। अथवा एक और अर्थ है इसका, मुनिराज किसी के वश में नहीं होते इसलिए वे कहला कहे जाते हैं अवश्य, किसी के वश में नहीं है ना, और अवश्य का जो कार्य है उसको कहते हैं आवश्यक। ऐसा नहीं, क्या अर्थ किया? जो किसी के वश में नहीं है वो अवश्य है, अवश्य के कार्य को आवश्यक कहते हैं। तो छह आवश्यक है महाराज, समता समारे निरंतर कायम रहते हैं, समता, समता नहीं खोते अपनी, समता नहीं खोते मतलब राग द्वेष नहीं करते, इष्ट अनिष्ट वस्तुओं के प्रति राग द्वेष नहीं करते, इस समता समान स्तुति उच्चारण स्तुति करते हैं, किसकी? 24 तीर्थंकरों की स्तुति उच्चारण, वंदना जन देव की वंदना करते हैं, किसकी वंदना करते हैं? किसी एक तीर्थंकर, नित्य श्रुति रति, श्रुति में रति माने निरंतर स्वाध्याय करते हैं, नित्य श्रुति रति करे प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण का अर्थ क्या होता है? अतिक्रमण का उल्टा प्रतिक्रमण है तो ठीक है, प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? मैंने अपने स्वरूप में आना, जो दोष लगे हों उनकी आलोचना करके पुनः अपने स्वरूप में आना, ये यूं कहें, दोषों जो दोष लगे तो बाहर चले गए, अपनी सीमा का उल्लंघन हुआ ना, उन दोषों का पुनः प्रायश्चित आदि विधि से निराकरण करना, उसको शुद्ध करना, कोई प्रायश्चित लेना, उसका दंड लेना, ये क्या है? प्रतिक्रमण, अतिक्रमण और प्रतिक्रमण, अतिक्रमण मैंने बाहर फैल गए, इंक्रोचमेंट किया, और प्रतिक्रमण मैंने पुनः अपनी सीमा में आ गया,
ये मुनिराज दोष कोई लग भी जाते हैं तो उसको प्रायश्चित आदि विधि से शुद्ध कर दें। प्रतिक्रमण अंतिम क्या है, कायोत्सर्ग यानी शरीर के प्रति ममता का त्याग करते हैं, ऐसे छह आवश्यक। अब इसके बाद में अंतिम सात शेष गुण है जिनकी अपनी चर्चा चल रही थी, उनके नाम किसी को याद हो तो नाम बता दो, नहीं तो मैं बताता हूँ। देखो कौन कौन सी, पेज नंबर निकालो आप 160, जिनके निकाल लिया 160 पे दोहा नंबर पांच, पांचवे के नीचे की दो पंक्ति, जिनके नन्योल दंत धोवन देश अंबर आवरण भूमाहि पिछली जिनके नन्योल, जिनके नहाना नहीं है, क्यों नहीं नहाते मुनिराज, नहा ले उसमें क्या है? हाँ, नहाने में शरीर जो है ना आकर्षक बनता है, तो मुनिराज अपने शरीर को आकर्षक नहीं बनाते क्योंकि वो उनकी वीतरागता और दूसरे की वीतरागता में बाधक है। उनकी आकर्षकता आध्यात्मिकता में, उनकी आकर्षकता वीतरागता में, उनका शरीर जो मलिन है वो आकर्षक है, देह निर्मल करना उसको सजाना ये उनकी आकर्षकता नहीं है, समझ में आया ना? क्योंकि उनके संसर्ग में कोई भी जीव आएगा तो वो राग नहीं करे अपितु उसको वीतरागता की प्रेरणा मिले, इसलिए मुनिराज शरीर के स्नान का त्याग करते हैं, एक बात। दूसरी बात, स्नान में जीवों की हिंसा होती है, पानी ढोलेंगे जाएगा नाली में, कहाँ का जाएगा, जीव हिंसा होगी, और पानी पानी कहाँ से, पानी की बाल्टी चाहिए, बाल्टी लेके चलो, मग्गा भी चाहिए, अभी छन्ना भी चाहिए, सभी चाहिए फिर, तो इसलिए वो तो पूरी तरह से परिग्रह का जो त्याग है वो बन ही नहीं सकेगा, क्योंकि परिग्रह त्याग का उत्कृष्ट रूप जो है वो स्नान में बन सकता है, इसे नहाते नहीं मिलेगा। फिर दूसरी प्रश्न कि भाई नहाएंगे नहीं तो शरीर में मल वगैरह जमा हो जाएगा, तो पशु पक्षी भी होते हैं ना, वो भी कैसे रहते, प्राकृतिक रहते हैं, जिनका अप्राकृतिक खान पान रहन सहन होता है उनको स्नान आदि की आवश्यकता पड़ती है। जब मुनिराज जंगल के पशु पक्षी की तरह एकदम विचरण करते हैं, माने एकदम जिसको कहते हैं खुला आकाश जिनका निवास स्थान है, अंबरी जिनका घर है, तो उन मुनिराजों को अपने आप स्वाभाविक, उनको स्वाभाविक जीवन जीने के कारण से ये मतलब मल आदि कोई तकलीफें उनको उत्पन्न नहीं होती। दूसरी बात, वो सब ध्यान करते हैं क्या, तो इसके कारण से उनके जो शरीर के पसीने के रजकण वगैरह वो भी काला धीरे धीरे, अरे वो ध्यान आदि के प्रभाव से वो सब दूर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें कोई शारीरिक बाधा उसके कारण उत्पन्न नहीं होती। और यदि होती होती तो पशु पक्षियों को भी होती ना, गाय तो नहाती कहाँ है, दूध देती है वो अच्छा से, गाय पशु पक्षी सब, तो आदमी जब प्राकृतिक जीवन जीता है तो ऐसे जीता है। स्नान जिनके न न्योन, दूसरा क्या है, न दंत धोवन, दांत नहीं धोते, क्योंकि दांत भी चमकाना ये भी वीतरागता में बाधक है, और जब वो अन्न लिया है तो उसको पानी ले लिया, पानी ले लिया, पानी से अच्छा पी लिया तो अन्न नहीं लगा रहे, इतना ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी उसको किसी को मुनिराज दांत के किसी मल को अपनी उंगली से या कोई सीली से या किसी से दूर नहीं करते, जो मार गए उसकी बात चल रही है, अपने क्या देखा है वो अपन तो ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अपन तो क्या यहाँ लिखा है वो पढ़ रहे हैं, मूलाचार में जो लिखा है अपन तो वो अपनी बात चल रही है, अब अपन ने क्या देखा है क्या नहीं देखा उसकी अपन बात नहीं करते, फालतू जो बात है वो तो ये है कि वो, क्योंकि उसका कारण भी है कि वो उनको देह के प्रति इतनी वीतरागता है, वो ग्लानि है तो शरीर के प्रति उनको वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है, जैसे अपने को क्या है मलिनता हुई शरीर के अंदर, तो वो मलिनता उनको देह की नश्वरता का स्मरण दिलाती है, देह तो यूं भी नश्वर है, राग करने लायक है नहीं, संसार शरीर भोगों से वैराग्य का कारण है, और यदि सब कुछ साफ सुफ रखे तो फिर वो गृहस्थ अवस्था से मुनि अवस्था में भेद क्या रहेगा, कोई बात ना, अपन ने
कि वो अंतर लगना चाहिए ना, नहीं तो जो बात अपने में है वही बात वहां रहेगी, तो पूज्यता का आधार क्या रहा? क्या है कि अल्पाहार लेते ना, अल्पाहार वो पानी लेते अच्छी मात्रा में तो उससे नहीं होता है। क्या है कि ये जो पेट की खराबी होती है ना, अधिकांश तो रोग इससे होते हैं। जब भोजन ही अल्प रह रहे तो पेट की खराबी का कोई सवाल नहीं होता, अच्छे सुपुरोपष्टा और वो ध्यान आदि करते हैं ये सब काम, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। कई सालों चलते हैं उनके दांत, वो निर्वाण सागर जी महाराज है ना, 105 साल की उम्र में उनके दांत चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मूल गुण है उनका। पुण्य के उदय से दांत टिकते हैं कि दांत मांझने से टिकते हैं, या मांझ मांझ की कोलगेट कोलगेट से मांझ मांझ के निकलते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मूल गुण है उनका। और ये भी इसके कारण कि दांत कण में जो लगे हुए जीव जंतु है उनकी हिंसा ना, उनकी हिंसा की संभावना। तो न दंत धोवन लेश अंबर आवरण वस्त्र मात्र का उनके त्याग है, कोई प्रकार का आवरण नहीं होता। क्योंकि देखो जनता जो बालक है वो आवरण लेके पैदा नहीं होता, पशु पक्षी सब निरावरण ही होते हैं, पशु पक्षी त्रियंत सब निरावरण है, मनुष्य भी जन्मते समय निरावरण है। आवरण तो मनुष्य अपने विकारों को छुपाने के लिए धारण करता है, तो बालक में और मुनिराज में कोई अंतर नहीं है। बालक भी निर्विकारी है और मुनिराज भी निर्विकारी है। मुनिराज ने अपने विकारों को जीत लिया है और एक में विकार उत्पन्न हुए नहीं है, लेकिन दोनों में निर्विकार था, इसलिए उनको देखकर किसी के हृदय में विकार उत्पन्न नहीं होता, उनकी मुद्रा विकार का कारण नहीं बनती। इसलिए मुनिराज तो यथा जात जैसे उत्पन्न हुए वैसे ही रहते हैं। यदि वो परिग्रह रखेंगे इतना सा तिल तुष मात्र भी, तो फिर वो जो अपरिग्रह महाव्रत है वो उसकी सिद्धि नहीं होगी। इसलिए पूर्ण अचेलक के, अचेलक के माने तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, तिल्ली जितना टुकड़ा भी जिनके पास में नहीं, और नहीं तो वस्त्र रखेंगे तो फिर वही सारी चक्कर, वस्त्र रखेंगे तो उसको धोना पड़ेगा, धोएंगे तो फिर धोने के लिए साबुन भी चाहिए, रस्सी चाहिए, सुखाने की जगह चाहिए, तो फिर वहाँ सुखा के आएंगे, अगर माला फेरेंगे तो विकल्प रहेगा कि कोई ले नहीं जाए, बहुत सारा चक्कर है उसमें। कबूतर आ जाए कोई बीट कर दे तो कबूतर में गुस्सा आ जाए, उड़ जाए फिर किसी से मांगना पड़े, याचना करना पड़े, खराब हो जाए फट जाए तो याचना करना पड़े वो देने से, और याचना करे तो अयाचक व्यक्ति उनकी नष्ट होती है, जो दीनता प्रकट होती है मांगने से। तो जो जो उनका जो शूरवीर पना है, जो तीन लोक के नाथ पना है, मैंने पूज्यता है, तो मांगने से सब नष्ट होती है, मांगते नहीं। जिससे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुए वो मुनि पद है, तो उसमें इतने से भी विकल्प का अवकाश नहीं, इतना सभी विकल्प है तो अभी निर्विकल्प आत्मा की आराधना संभव नहीं, केवल ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं, कोई विकल्प नहीं, ज्ञान ध्यान में लीन, ये उनका कार्य है ना। अपन ने बताया ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान ध्यान और तप में क्या है मुनिराज, लीन। तो ये एक अचेलक की व्रत, अचेलक माने रंच मात्र भी वस्त्र उनके नहीं होता, नग्नता। देखो इसको अलग से रखा, जैसे अपरिग्रह त्याग में आ सकता था ये, लेकिन इसको अलग से रखा ताकि ये सामने के सामने हो। ये तो क्या है कि बहुत जीव बहुत चतुर है, अपरिग्रह त्याग वे परिग्रह त्याग मैंने रुपया पैसा त्याग है, वस्त्र भी परिग्रह है और इसलिए वस्त्र का भी त्याग होवे और फिर भी वो नहीं कोई माने तो एक अलग से नाम ही दे दिया कि अब परिग्रह नग्नता जो है वो एक मूल गुण का नाम है। ठीक है, अंतिम भू माय पिछली रयन में कछु शयन एक आसन करण, मतलब पृथ्वी पर शयन करते हैं, गद्दे सोफे तकिए इन पे नहीं, गादी नहीं, क्योंकि चंदन नहीं बिछी होती क्या? और चंदन में तो फिर डिजाइन की कॉम्पिटिशन चालू हो जाएगी क्या? चंदन नहीं होती, गादे तकिए नहीं होते, मुनिराज सुखपूर्वक सोते नहीं है, बल्कि वो इस आसन पे सोते हैं जिससे उनको अधिक निद्रा ना आए, प्रमाद उत्पन्न ना हो। देखो निद्रा को मुनिराज जीतने का प्रयास करते हैं, लेकिन संपूर्ण निद्रा तो जीती जा सकती है, आदमी को थकान होती है तो नींद आवश्यक है, तो नींद लेते तो हैं लेकिन अति अल्प मात्रा में, और वो भी ऐसी कि जिसमें प्रमाद माने जिसमें बिल्कुल गहरी नींद ना हो,
उसमें भी थोड़े थोड़े काल में उठ के अपने स्वरूप का आत्मस्वरूप का चिंतन मनन मुद्रा नियम से करती करते, तो उसके लिए गहरी नींद ना आए, नींद में जो है वो प्रमाद ना बढ़े, उसके लिए उनका जो आसन होता है वो पृथ्वी का, पृथ्वी पे सोते हैं या तो या लकड़ी का पाटा है या वो जो सूखे तिनके होते हैं उनका सांचा होता है। और पिछली लाइन मैंने अंतिम प्रहर बताया था, गलत बताया था, पिछली प्रहर का मतलब अंतिम प्रहर नहीं है बल्कि अंतिम प्रहर में तो सोने का निषेध है, प्रथम प्रहर और अंतिम प्रहर इन दो प्रहर में मुंद्रा नहीं सोते। मैंने शुरू के 3 घंटे, सूर्यास्त का बताया 6 बजे जैसे, तो 6 से 3 घंटे 9 बजे, सूर्योदय उधर होता है समझ लो 6 बजे, तो 6 बजे से 3 घंटे पहले तक मैंने 3 बजे, तो 3 से 6 इधर और उधर 6 से 9 इस बीच में नहीं सोएंगे, तो सोएंगे तो 9 बजे से 3 बजे के बीच में, और वो भी 6 घंटे नहीं, अंतर्मुहूर्त के अंदर, बस अंतर्मुहूर्त में उनकी नींद खुलना आवश्यक है। भले ही थोड़ी अधिक मतलब 1.5 घंटे भी सोए हों लेकिन उसमें हर अंतर्मुहूर्त में उनका जागृत होना वो आवश्यक है, ताकि वो अपनी सुध-बुध न खो बैठे, प्रमाद न आवे और अपना जो उनका जो मतलब 6ठा 7वां गुणस्थान है वो बराबर कायम रहे, क्योंकि अंतर्मुहूर्त में अपने स्वरूप में आना 7वें गुणस्थान में आने के लिए जरूरी है, नहीं तो 6ठे का काल तो अंतर्मुहूर्त है उसके बाद नीचे आए। इसलिए मुद्राज की भी शर्त है, भूम आई पृथ्वी पे कच्चु सयन एकासन करे, कुछ सयन एकासन करे। अब देखो ये हो गए अपने 5 मिनट, अपन दूसरे लेते हैं। क्या आया ना, आएगा सबका हुआ है, वो अंतिम नहीं है, सॉरी मैंने गलती से बोला, कितने हुए बताओ, 4 जिनके न न्योन नाते नहीं है, ये कौन, 1 न दंत धोवन, 2 न लेश अंबर आवरण, 3 भूम आए पिछली रहन में कछु सयन एकासन करे, 4 3 और बचे हैं, देखो 3 पढ़ लेते हैं। 6ठे नंबर का दुआ, 1 बार दिन में ले आहार खड़े आलप निज पान में कच लोच करत एक बार दिन में ले आहार। मुनिराज दिन में 1 ही बार आहार लेते हैं, जैसे भोजन की बेला 2 मानी गई है लेकिन मुनिराज 1 बार आहार लेते हैं, 1 बार आहार लेते हैं तो वो भी कैसे, खड़े होकर क्यों लेते साहब, बैठने में आदमी ज़्यादा भोजन करता, खड़े रह के कम करता, खड़े खड़े थक जाता तो खाते नहीं बनता, और बैठे बैठे के खाते जाता बहुत देर बाद पता चलता है ज़्यादा खा लिया, खड़े आदमी को पता चल जाता जल्दी। दूसरी बात ये है कि समझ लो बच्चे को खेलने जाना है, तो बच्चे को खेलने जाना है ना, तो वो खेलने में इतना मगन रहता है तो उसकी माँ ज़बरदस्ती उसको पकड़ के लेके आती, तो वो उसके खड़े खड़े ही उसके हाथ में रोटी देके उसको ठूस के खिलाती, उसको बैठने की फुर्सत ही नहीं है, क्या बैठने का इतना समय नहीं है उसको, तो खाने उसको खेलने का इतना रस है, जाने की इतनी आकुलता है कि भाई क्या करे, लेकिन मानेगा नहीं खाएगा ना क्या होगा इसका, ये खाने में मगन हो रहा है, खेलने में मगन हो रहा है, तो वो खाता तो है लेकिन खाते समय उपयोग कह में खेलने में, और खाता है तो बस आया फटाफट खड़े खड़े ही जो आया खा लिया और चला गया, बैठने का टाइम किसको होता, अब कोई काम धाम मतलब आराम से बैठे, लाओ परोस लाओ क्या क्या है, समझ में है ना, तो बैठने में भोजन भी अधिक मात्रा में होता है, और बैठने का मतलब है कि हम बिल्कुल हमें किसी काम की जल्दी नहीं है, जबकि मुनिराज को अपने आत्म ज्ञान ध्यान की जल्दी है, ध्यान स्वाध्याय का उनको बहुत उत्साह है, वो तो पुनः जाना वही करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें शरीर की स्थिति के लिए आवश्यक इसलिए लेने आए, तो लेने आए तो जल्दी जल्दी जो भी है खड़े खड़े लिया, गृहस्थी घर में बैठते नहीं, और बैठने में तो बहुत चक्कर, बैठ गए तो फिर थाली भी लगाएंगे, थाली लगाएंगे तो थाली में काय की लगाए, तो एक का महाराज तो चांदी के भोजन में ग्रहण कर रहा, तो एक चांदी का बर्तन लेके आएगा, दूसरा सोने का लेके आएगा, तीसरे रत्न जड़ित लेके आएगा, अब इतना ही नहीं फिर जो थाली रहेगी तो उसमें एक चीज परसेगा दूसरा परसेगा, और वो कितनी सुरक्षा करे, लेकिन जैसे हिंदुस्तान कितनी सुरक्षा करे, कोई ना कोई पाकिस्तान का सैनिक टपक जाता है ना,
ऐसे उनकी थाली में कोई ना कोई जबरदस्ती कोई भी चीज परोसी जा सकती है, इसलिए थाली में नहीं करते, क्या में लेते हैं हाथों में। बेड की गणना में हाथों में लेना संभव नहीं है, खड़े खड़े ले रहे हाथ में, क्यों? क्योंकि हाथ में कोई ज्यादा परोस नहीं सकता, हाथ में ज्यादा से ज्यादा परोसेंगे तो कितना परोसेंगे, हाथ जितने आएगा ना उस हाथ से अधिक तो परोसा ही नहीं जा सकता, तो एक हाथ जितनी तो भाई एक हाथ जितनी तो संभावना रहती है कि उतना तो ले लेंगे, लेकिन एक हाथ से अधिक नहीं ले सकते, तो इसलिए मुनिराज हाथ में लेते हैं। और दूसरी बात कि इतनी जल्दी है कि बस लिया आहार हाथ में और चले गए, खड़े अल्प एक बार लेते हैं, खड़े खड़े लेते हैं, अल्प लेते हैं, और निज पान में अपने हाथ में लेते हैं। यदि हाथ में नहीं ले तो बर्तन, बर्तन में प्रदर्शन चालू होगा, और फिर बर्तन क्या करेंगे साहब, वो अपना खुद का बर्तन रखे, तो अपने बर्तन रखेंगे तो बर्तन मान जाएंगे कि अपनी आत्मा से कर्मों को मान जाएंगे, तो ये सब कुछ नहीं है उनका हाथ ना हाथ, पानी पात में मुनिराज भोजन ग्रहण करते हैं, आपने देखा होगा हाथों में ग्रहण करते हैं, परिग्रह की आवश्यकता ही नहीं। कई लोग मेरे से कहते हैं कि साहब अपन ने भी इसलिए खड़े खड़े चालू कर दिया है तो मैंने कहा खड़े खड़े चालू कर दिया तो अच्छा, लेकिन पहले उसके पहले तुम्हारा देह भी जो है ना वैसा होना चाहिए ना, क्या वो चीज उनके लिए, और वो खड़े खड़े ले रहे हैं तो एक ही स्थान पर खड़े खड़े ले रहे हैं कि घूमते फिरते ले रहे हैं, तो स्वच्छंद वृत्ति है, घूमते फिरते कोई आहार ग्रहण किया था, घूमते फिरते कौन खाती है, गाय यहाँ खाया वहाँ खाया वहाँ खाया, गाय ढोल खाते हैं, तो मुनिराज आहार लेते हैं लेकिन एक स्थान पर, एक स्थान पर खड़े खड़े, और वो भी अपने हाथों में। उन सबका मूल कारण ये है अल्प आहार ग्रहण करना, खड़े खड़े आहार लेने में आदमी थकता। और एक बात और कि मुनिराज आहार तब तक ही लेंगे, आहार के लिए तब तक ही जाएंगे जब तक उनके पाँव में ताकत हो, जिस दिन उनको लगेगा कि हम अपने पाँव से चल के नहीं जा सकते आहार लेने की, उसी दिन वो समाधि धारण कर, नहीं नहीं तो कोक के तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये शास्त्र में वो खड़े रहने के साथ में ये बताया मूलाचार में कि खड़ा रहना क्यों जरूरी बताया, कि खड़ा रहना इसलिए होता है कि वो खड़ा रहना ये बताता है कि अभी तक तुम्हारा शरीर चल रहा, तुम समाधि के योग्य अभी नहीं हो, और जिस दिन खड़ा रहना बंद हो जाए तो मतलब अब वो समाधि के ही होंगे, ये सब चीजें लिखी है शास्त्र में। और खड़े खड़े तो आदमी थक ही जाएगा ना, आहार ज्यादा नहीं ले सकता, एक बार दिन में, एक बार दिन में आहार लेते हैं, एक बार दिन में आहार लेने से मुनिराज के शरीर की पूर्ति हो जाती है। देखो जिसको बहुत काम मेहनत परिश्रम करना हो उसके लिए आवश्यक पड़ता है, लेकिन मुनिराज का इतना परिश्रम का कारण नहीं, कोई चिंता ही नहीं है, विकल्प नहीं है, एक बार आहार से उनके शरीर की पूर्ति हो जाती है, और फिर उनको इतना अपने कार्य का उत्साह है कल्याण का कि उनको आहार लेने का उत्साह नहीं है, तो लेना फिर भी पड़ता है शरीर के लिए, तो एक बार से काम कर लेते हैं एक बार, और वो भी कब लेते हैं, दिन में सुबह 3 घड़ी छोड़कर, मैंने सूर्यास्त सूर्योदय के 3 घड़ी बाद और सूर्यास्त के 3 घड़ी पहले पहले छोड़ दो, ठीक है, एक बार दिन में ले आहार, खड़े खड़े अल्प लेते हैं, और निज पान में मतलब अपने पानी पाते हैं। इसके बाद की जो चर्चा है, 3 घड़ी पहले छोड़, 3 मुहूर्त बल्कि 3 मुहूर्त पहले छोड़, मैंने कम से कम 2.25 घंटे पहले से भी नहीं, कोई नहीं लेते 2.5 घंटे पहले, मैंने 6:30 बजे रात थोड़ी होगी तो 4 बजे पहले आहार छोड़ देंगे, और उधर सुबह यदि 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 8:30 बजे बात की, 9 बजे बात हुई, ठीक है, बाकी चर्चा बंद करते हैं।